कैंपिंग कहाँ हो रहा है। मैं नाइट कैंप के बाद सुबह आपको रिवील करूँगा कि मैं कहाँ पर गया हुआ था। एक तिब्बतियन भाई हमारे साथ सेल्फी उठा रहे थे, हम भी एक पोज दे दिए। और क्या, अभी हम लोग लगभग 12-15 किलोमीटर आगे, ये जो मेरे लेफ्ट में जो रोड गया है ये आपका महेंद्रगिरी 54 किलोमीटर। आप अगर मेरे पिछला वाला ब्लॉग देखे होंगे जो सिंहराज हिल का, तो ये इस तरफ ही पड़ेगा आपका। अगर आप देखे नहीं है तो प्लीज जाके सर्च करिए सिंहराज हिल, एकदम ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही मस्त लगेगा, एकदम एकदम पूरा मूवी जैसे मतलब लोकेशन है वो। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग लगभग आपका फॉरेस्ट एरिया में घुसने वाले हैं। तो ऐसे तो गजपति एकदम मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन जो मेन फॉरेस्ट है उस तरफ अभी हम लोग घुसने वाले हैं। ये इसी का चोटी पे कुछ है जो कि मैं सर्च किया था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ट्रैकिंग करना पड़ेगा। तो अगर कभी होगा तो हम लोग भी वहीं पे जाएंगे एक दिन। और अभी यहाँ थोड़ा आगे घाटी पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को आर उदयगिरी आएगा। हमको सरंग आएगा, नागढ़ भी आएगा जो कि मेन रोड है। तो हम लोग मेन रोड छोड़ के एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट लेके हम सरंगा जाएंगे, फिर सरंगा से अपना डेस्टिनेशन जाएंगे इस फांडी खोजरी पदा। यहाँ से हम लोग सरंगा के लिए घुस रहे हैं। ये पूरा एकदम शॉर्टकट होता है, 8 किलोमीटर सरंगा, और उधर से जाएंगे तो लगभग शायद 24 किलोमीटर होता है। तो इसी रास्ते पर चलते हैं आगे। संस्था जाने का मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ से सरंगा 5 किलोमीटर है, तो हम लोग निकलते हैं। आज का कैंपिंग कहाँ हो रहा है,
मैं नाइट कैंप के बाद सुबह आपको रिवील करूंगा कि मैं कहां पर गया हुआ था या जा रहा हूं अभी। जो सेरंग गजपति डिस्ट्रिक्ट से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर भेली के बीच में, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे कैंप पे जाना होगा लेफ्ट साइड में। अभी हम लोग आपका सेरंग क्रॉस करके ये सीधे वाला पार्ला के मुड़ जाएगा और हम लोग लेफ्ट वाला रोड पकड़ लिए। देखिए कैसे मस्त नजारा है। और ये जितना जो गांव है ना सब आपका टेरेन टाइप का है, ऐसे जो थके थके वाला। हम लोग आपका जो सेरंग के अंदर घुस के लगभग रोड़े के आसपास पहुंच गए हैं और यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर होगा आगे हम लोग का आज का डेस्टिनेशन। तो अभी ये शाम का वक्त है तो देखते हैं, अगर टाइम होते हुए ऊपर पहुँच जाएंगे तो कुछ नज़ारा लेंगे शाम का। तो यहाँ से हम लोग राइट चल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग ऑफरोड करते हुए अंदर घुस रहे हैं अभी, तो देखते हैं कितना दूर तक बाइक जाते हैं, फिर वहाँ से पार्किंग करके हम लोग फिर ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो अभी हम लोग लगभग कितना दूर हो गया, लगभग 1 किलोमीटर पूरा एकदम ऑफरोडिंग करते हुए चल रहे हैं और इधर बहुत ही कूल मौसम है एकदम। और भाई वहाँ पे इम्पैक्ट हुआ क्या बात कर, वहाँ पे क्रॉसिंग के वहाँ पे वो जॉइनिंग है ना, दो सेक्शन रोड का जॉइन किया हुआ है, तो वहाँ पे पॉट होल था और अच्छा। वहाँ पे मैनेज किया दो पत्थर रख के, तो मुझे पता नहीं चला और इम्पैक्ट हो गया जोर का। तो अभी हमारे साथ मेरा छोटा भाई मुन्ना और जीसेल भाई दोनों हमको छोड़ने आए यहाँ पे। अभी हम लोग का ये जो पीछे है ये रोड हम लोग का इस तरफ चलना है और दोनों भाई हमको छोड़ने आए हैं, तो थैंक यू बोलते हैं सब। थैंक यू सर। तो अभी हम लोग का कैंपिंग का लोकेशन फिक्स हो गया है, सब सामान उतर चुका है और इधर आपका बॉनफायर करने के लिए लकड़ी जमा हो गया, तो हम लोग को उधर कहीं चलना है सुबह। आज अभी नहीं जाएंगे तो इस संबित लकड़ी करेंगे भी हम लोग इतनी ठंडी हो रही क्या ही करें। अभी हम लोग का टेंट सेटअप हो रहा है
टेंट उधर लग चुका और इधर सब लगे हुआ अपना अपना काम चुका। और अभी बैठने के लिए तो लकड़ी ढोक लेके आगे, और अभी मेरा ड्यूटी है किचन का। तो फ्रेंड्स लगभग 11 बजने जा रहे हैं, शायद 11 से पार हो गए, और अभी हम लोग का बॉनफायर सब ख़त्म हो गया। अभी खाना वाना खा के हम लोग अपना टेंट में घुस गए हैं, और एक ही टेंट लेके आए हैं क्योंकि 3 बंदे हैं तो एक ही में चल जाएगा। तो मिलते हैं सुबह कुछ नए नज़रे के साथ। गुड नाइट, गुड नाइट दोस्त। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये रात अच्छा गया और अभी ये सुबह का नज़ारा है। तो यहाँ तो नज़ारा नहीं मिल रहा है, नज़ारा जो कि वो चोटी पे मिलेगा। तो अभी थोड़ा कॉफ़ी वॉफी का सेटअप हो चुका है, थोड़ा कॉफ़ी बना के हम लोग पी के चलेंगे ऊपर। तो अभी हम लोग को थोड़ा चाय वाय खत्म करके अभी चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। हाँ ये पट्टे ना पट्टे, तो चलिए चलते हैं हिल टॉप में, कैसे क्या नज़ारा है नज़ारे तो। और कैसे लग रहा है समेत? बहुत अच्छा ही लग रहा है सर, छोटे सर जगह में आने से। चलिए ऊपर चलते हैं। तो पहाड़ी का एक पड़ाव हम लोग लगभग आ गए हैं, यहाँ से कुछ नज़ारा मिलेगा। ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा फोगी वाला, और हमको वो चोटी पे जाना है। तो चोटी पे जाके हम लोग रिवील करेंगे हम लोग एक्चुअली आज कहाँ पे है। कैमरा को क्रॉस करेगी जीवा ना, कैमरा उठे। तो लगभग हम लोग 80% रोड कवर कर ली, रोड मतलब ट्रैकिंग। लगभग 600 मीटर हो गया ट्रैकिंग करते हुए, और अभी एक थोड़ा सा खुला मैदान में पहुंच गए हैं। यहाँ से फिर और थोड़ा ऊपर चढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। तो हमको वो चोटी पे जाना है, और अभी थोड़ा यहाँ बैठ के चिल्लू मार रहे। और भाई कैसा लग रहा है? Awesome. हाँ तो जोश। अबे बात करने के हाल है सर, अभी बात करेंगे तो चढ़ना चढ़ेगा कौन? ठीक है, चढ़ना है अभी। बस थोड़ा हॉल्ट लिए हैं,
ये लगभग हम लोग ऊपर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से एक छोटा सा नज़ारा, वो चोटी पे जाना है। तो इमेजिन कीजिए ऊपर में कैसे व्यू आएगा। तो हम लोग लगभग टॉप पीक पे पहुंच गए हैं। ओह माय गॉड, इसमें कुछ बना हुआ है। देवगिरी माउंटेन। तो ऊपर नजर कुछ इस तरफ का। तो फ्रेंड्स, अभी वक्त आ गया है रिवील करने का। ये है आपका देवगिरी हिल टॉप, जो कि आपका सेरंगा का एरिया में आता है, जो कि आपका गजपति डिस्ट्रिक्ट का पार्ला के उंडी जो हेडक्वार्टर है उससे 35 किलोमीटर आपका सेरंगो है। वहां से फिर लगभग 12 या 15 किलोमीटर ऐसे कुछ अंदर घुसना होता है। तो ऊपर पहुंचने के बाद एक बहुत ही मस्त वाइब मिल रहा है, और क्या बताएं, एक पूरा ठंडा ठंडा वेदर है और बहुत ही मस्त लग रहा है। तो ये था आज का एक ट्रैकिंग और कैंपिंग के साथ राइडिंग, वो भी ऑफ रोडिंग। तो बहुत ही मस्त लगा। तो आप लोग भी आइए और जगह को एंजॉय कीजिए। ये शायद ज़्यादा रिवील हुआ नहीं है, तो आप लोग भी आइए। और इसका जो सराउंडिंग है ना, बहुत ही मस्त है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक कैंपिंग और ट्रैकिंग का वीडियो। तो उम्मीद है सबको अच्छा लगे, उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो प्लीज एक सब्सक्राइब करिए चैनल में नए है तो, और लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। तब जब आप लोग शेयर करेंगे ना, तब ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे और जगह का डेवलपमेंट होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। बाय बाय दोस्तों।